सुरेश विभव मेमोरियल मून स्कूल क्रिकेट प्रीमियर लीग के दूसरे दिन बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। दिन का पहला मुकाबला सुबह 8 बजे सेंट जॉर्जेस और सेंट एंड्रयूज पब्लिक स्कूल के बीच खेला गया। सेंट एंड्रयूज के कप्तान अनिकेत वर्मा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। सुरेश विभव मेमोरियल मून स्कूल क्रिकेट प्रीमियर लीग के दूसरे दिन रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। पहला मुकाबला प्रातः 8 बजे सेंट जॉर्जेस बालूगंज और सेंट एंड्रयूज पब्लिक स्कूल कर्मयोगी के मध्य खेला गया। सेंट एंड्रयूज कप्तान अनिकेत वर्मा ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला लिया। सेंट जॉर्जेस ने 20 ओवर खेलकर 143 रन 9 विकेट खोकर बनाए। सेंट जॉर्जेस की ओर से अर्णव दीक्षित ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 24 रन बनाए। दुर्लभ पाठक ने अपने जोड़ीदार का साथ बखूबी दिया और 22 रन बटोरे। सेंट एंड्रयूज स्कूल की ओर से ध्रुव गुप्ता ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 25 रन देकर 4 विकेट लिए और सर्वश्रेष्ठ बॉलर की अमरजाला ट्रॉफी अपने नाम की। सेंट एंड्रयूज कर्मयोगी एनक्लेव के सामने 140 रन बनाने की चुनौती थी। ओपनिंग बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया किंतु बाद में टीम लड़खड़ा गई। सेंट एंड्रयूज की टीम 119 रन ही बना पाई और 25 रन से मैच लूज कर गई। सेंट एंड्रयूज की ओर से शिवांश और रुद्राक्ष ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर 44 रन की साझेदारी कर अपनी टीम को मजबूत आधार दिया, किंतु बाद में बल्लेबाज लड़खड़ा गए और सेंट एंड्रयूज की पूरी टीम 119 रन पर ही सिमट गई। सेंट जॉर्जेस के अर्णव दीक्षित ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट लिए। टीम को जिताने में अर्णव का अच्छा योगदान रहा और अमरजाला मैन ऑफ द मैच का खिताब भी उन्हीं के नाम रहा। बेस्ट बैट्समैन के अमरजाला ट्रॉफी के हकदार सेंट एंड्रयूज स्कूल के रुद्राक्ष रहे। पुरस्कार वितरण राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी 15 और बीसीसीआई और बीसीसीआई अप्रूव्ड एम्पायर कौशिक ने किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत हमें सीख मिली कि कैसे कैसे करना है, कैसे बैटिंग वगैरह, तो उस हिसाब से सब देखेंगे। हमारे विकेट भी जल्दी जल्दी गिरे तो हमने बॉलिंग में रिकवरी की। मुकाबला ठीक था, स्टार्टिंग हमारी थोड़ी अच्छी नहीं हुई बट एंड में जैसे जैसे सबने आया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल समझा उसके हिसाब से हमने बढ़िया करा। फील्डिंग में भी एफर्ट डले और जिससे जो एक्सपेक्ट किया था वो मिला। दूसरा मैच टीसा वर्सेस एसएस पब्लिक स्कूल के मध्य खेला गया। रोमांचक मुकाबले में टीसा 4 रन से विजेता रहा। टीसा स्कूल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। बल्लेबाजी करने आई टीसा स्कूल ने 20 ओवर में 82 रन बनाए। एसएस पब्लिक स्कूल ने इस लक्ष्य का पीछा करने में शानदार शुरुआत की और पहले 2 ओवर के बाद से एसएस पब्लिक स्कूल का स्कोर 82 रन था और 1 विकेट खो चुके थे। उसके बाद से एसएस पब्लिक स्कूल के बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य के करीब पहुंचे दिखाई दिए, किंतु टीसा के कप्तान आर्यन गुप्ता ने अपना विश्वास आदि उपाध्याय पर दिखाया और उन्हें गेंदबाजी का मौका दिया। उपाध्याय की बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 2.4 ओवर में 12 रन देकर 5 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच की अमर जाला ट्रॉफी के हकदार हुए बेस्ट बैट्समैन एसएस पब्लिक स्कूल के अभय प्रताप रहे। बेस्ट बॉलर का अमर जाला ट्रॉफी एसएस पब्लिक स्कूल के आदि के नाम रहे। बहुत अच्छा मैच चला था, विकेट भी काफी सही था और शुरू में मैंने ओवर भी थोड़े खराब करे थे पर बाद में मैंने अपना ओवर रिकवर कर लिया और अच्छी तरीके से 3 विकेट लिए मैंने अपने। हम 23 रन से विजयी हुए हैं, 26 रन से विजयी हुए हैं सॉरी। आज का मैच बहुत क्रुशियल था और उम्मीद हम लोगों ने शुरू में ऐसा लग रहा था कि छोड़ दी, वन तरफा मैच था, पूरा वन साइडेड मैच था। कोई ऐसी बात नहीं थी कि हम जीत सकते, 82 का हमारा टारगेट था, 82 रन का हमारा टारगेट था। हमारा एसएसपी पब्लिक स्कूल से था तो उन्होंने बहुत जल्दी हम लोगों को आउट कर दिया। करीब हमारे 15 ओवर में हम लोग ऑल आउट हो गई थी टीम हमारी। उसके बाद जो अटैकिंग हमारी बॉलर ने करी है, आउटस्टैंडिंग करी है बॉलिंग, बहुत अच्छा लगा। और देनेस मैन ऑफ द ये सीरीज हमारी यही लेके जाएगा, बहुत अच्छा उपाध्याय ने किया हुआ है, आदि उपाध्याय। ओम ने भी बहुत अच्छा करा है, ओम भी बहुत अच्छा बॉलर था, ओम ने भी अच्छा किया। हमारे कप्तान जो थे आर्यन, उसने भी बहुत अच्छी करी है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन, कीपर, ऑल द टीम एंड ऑल द बेस्ट एंड बहुत अच्छा किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन टीम। मैच बहुत फंस रहा था लास्ट में, मेरा कीपर बस मुझसे एक ही बात कह रहा था, विकेट टू विकेट बॉल डाल और स्पिन कराने की देख, वो मैंने करा और विकेट मिल गई। पुरस्कार वितरण वरिष्ठ खेल प्रशिक्षक परमजीत सिंह और कर्नल ब्लैडन पब्लिक स्कूल के स्पोर्ट्स डायरेक्टर सोमेश दुबे ने किया। मून न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।